तो ये हमारा मटन रोश आ गया। सर ये देखिए जी बकरे की मछली, ये बीफ पुलाव है जी। तो वंस अगेन एक नया फूड नहीं, फूड बड़ा पुराना, लेकिन चूंकि हमारे सिटी के गिरदनवा में नहीं मिलता, और अगर आप लाहौर टू गुजरांवाला या गुजरांवाला टू लाहौर रेगुलर ट्रैवलर हैं तो आपको इस रेस्टोरेंट का लाजमी पता होगा। और अगर आपको नहीं पता कि ये शानदार रेस्टोरेंट जहाँ से आपको इनका ख़ास आइटम जो नमकीन मटन रोश है वो कहाँ से मिलती है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा मेरे सारे का। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अच्छा जी ये आ गया जी मटन रोश, ये मटन रोश आ गया। ये है जी दाल माश, ये दाल माश आ गई। उसके बाद जी आपको यहाँ पे बीफ जो है वो रोश भी मिल जाएगा, तो ये बीफ रोश है जी। तो इसके बाद ये इनका ज़बरदस्त वो जो है पुलाव, बीफ पुलाव है। ये देखें जी ये बीफ पुलाव है जी। अच्छा ये कट्टे का होता है ये जी, ठीक है। उसके बाद ये है जी इनकी बीफ कढ़ाई है, ये बीफ कढ़ाई आ गई। इसके बाद है जी ये इनकी सब्जी दाल कद्दू है। उसके बाद ये है जी ओजड़ी, ओजड़ी ये मटन छोटे की होती है, ठीक है ठीक है। तो ये स्टीम इनके आ गया, स्टीम चिकन आ गया। फिर ये दाल चना की यहाँ से मिल जाएगी आपको। अच्छा ये भी मटर कीमा है बीफ में। अच्छा यहाँ जो मटन रोश है वो आपको मतलब तमाम मिक्स बकरे का मिलता है, मतलब यहाँ आपको मछली की बोटी, सीने की बोटी, चांपे, पुट, हर सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। तो फाइनली आज मैं मौजूद था अफरीदी रहम कारिया होटल पर। ये एक ट्रक होटल है जो अगर आप लाहौर से गुजरांवाला लाहौर ट्रैवलर हैं रेगुलर, तो आपको इस होटल का लाजमी पता होगा। इनकी जो फेवरेट आइटम है वो इनका मटन, नमकीन मटन रोश है। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन समझा दूँ, अगर आप गुजरांवाला से आ रहे हैं तो आपने काला शाखा को क्रॉस करके मोटरवे के इंटरचेंज से यू टर्न करना है। मोटरवे एंट्री, मोटरवे के ब्रिज पे अगर आप चढ़ते हैं तो दूसरी साइड से आपने नीचे उतर के तो वापस सिटी की तरफ मूव कर लेना, ऐसे आपका टूल टैक्स बच जाएगा। गुजरांवाला सिटी की तरफ मूव करेंगे आप तो जैसे ही मोटरवे का कट गुजरेगा, उसके बाद शेल टोटल का एक पेट्रोल पम्प गुजरेगा लेफ्ट साइड पर, दूसरा शेल का पेट्रोल पम्प गुजरेगा, तीसरा ऐसे गार्डन के गेट के साथ फिर टोटल का पेट्रोल पम्प है, वहाँ पर आपको अफरीदी रहम कारिया होटल मिलता है। इनका अहमियत आपको बता दूँ, अहमियत में चूँकि ट्रक होटल है, फैमिली का सेपरेट हॉल तो मौजूद है, यहाँ पर आपको फर्शी सीटिंग और चेयर वाली सीटिंग दोनों मिल जाएंगी। लाहौर से गुजरांवाला या गुजरांवाला से लाहौर के एरिए के अंदर इसमें एक बहुत पुराना जो है वो शेल का पेट्रोल पम्प जो ट्रक अड्डा के नाम से भी फेमस था, लेकिन इस वक्त जो आप अगर यहाँ पर रेगुलर सफ़र करते हैं तो आपको इस चीज़ का इलम होगा कि अफरीदी रहम कारिया से अच्छा मटन रोश आपको नहीं मिलता है। फिर इनकी एक खास चीज़ वो ये भी है कि अमूमन जो पिशावरी मटन रोश है वो दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता है और उसी की लाड़ के अंदर वो पकाया जाता है, उसी की चर्बी के साथ उसकी यखनी बनाकर तो उसको बनाया जाता है। लेकिन हमारे जो कि पंजाब के लोग दुम्बे का गोश्त कुछ खास पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर ये इनकी एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है ये बकरे के गोश्त का बनाते हैं। यहाँ पर कोई भाई अगर किसी को कोई बोटी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ मिले तो भाई वो उनसे कह के ले ले, बजाय मुझे नीचे कमरे में आने के वो उनसे आप कह दें आपने मछली के शौकीन मछली की बोटी मंगवा लें, आप सीने का गोश्त खाना चाहते हैं, गर्दन का खाना चाहते हैं, पुट का खाना चाहते हैं, मैं वैसे मछली या पुट की बोटी लगवाता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको पसंद हो आप लगवा लें, चाम भी मिल जाएगी, जो अवेलेबल होगी वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको इनका बीफ रोश भी मिल जाता है जो कि 330 रुपये का है, जो मटन वाला है वो 550 रुपये का प्याला है, और यखनी आपको दोबारा भी दे देते हैं, अगर आप मटन रोश मंगवाते हैं तो यखनी दोबारा मिल जाती है फ्री में। उसके बाद इनका बीफ पुलाव यहाँ से मिल जाता है, वो भी 330 रुपये का है। इसके अलावा यहाँ पर वो सारा ट्रक मेन्यू मौजूद है जिसमें दाल, जिसमें सब्ज़ी, और जिसमें यहाँ पर आपको इनके चपली कबाब, सब्ज़ी है वो मतलब डेली के हिसाब से यहाँ पर वो चेंज होती रहती है, कभी कोई सब्ज़ी तो कभी कोई सब्ज़ी, और लोकेशन आपको अच्छी तरह समझा भी दी है। मैं अगर आप इसी तरह लाहौर साइड से अगर आप आ रहे हैं तो अगर आप मोटरवे इस्तेमाल कर रहे हैं, काला शाह काकू इंटरचेंज लेते हैं, आप एग्ज़िट पॉइंट लेते हैं काला शाह काकू से, तो एग्ज़िट होते ही आपको लेफ्ट साइड पे फिर पहला टोटल का छोड़ना है, दूसरा शेल का पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद तीसरा टोटल का पंप है जहाँ पर अफरीदी रहम कारिया होटल है जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, मजीद नंबर भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आपको परेशानी हो तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो एक हटके फूड था जो आपको गुजरांवाला सिटी के अंदर नहीं मिलता, बल्कि गिरदोनवा में भी जिन रेस्टोरेंट से मिलता है तो वो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। लेकिन ये 40-45 किलोमीटर का सफ़र अगर आप इसके लिए करते हैं तो ये आपका रायगा नहीं जाएगा, बस ट्राई करने वाली आइटम है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो किसी नए खाबे के साथ, अपना ख्याल रखेगा अल्लाह। तो इरशाद भाई के पास आए, अच्छी सर्विस देंगे। लो जी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इरशाद भाई को जरूर याद रखना, इरशाद भाई को आपने मेरा नाम लेना अली गांव का, तो आपको अच्छी सर्विस देंगे।